वेल गाइस, तो फाइनली AEW का विंटर इज कमिंग डायनामाइट शो ओवर हो चुका है और आज यहां पर AEW के विंटर इज कमिंग डायनामाइट शो के ऊपर AEW के कॉन्टिनेंटल क्लासिक के गोल्ड लीग के अंदर हमें यहां पर रिकोसेट एक्शन में देखने को मिले जो यहां पर ब्रोडी किंग को फेस करते गए। और बात करें अगर यहां पर इन दोनों के इस मैच की, तो आज यहां पर डायनामाइट पर इन दोनों के इस मैच के ऊपर हमें यहां पर क्लासिक साइज वर्सेज स्पीड मैच देखने को मिलता है, जहां पर मैच के ओपनिंग के ऊपर ही रिकोसेट स्प्रिंग बोर्ड लगाने की कोशिश करते गए पर ब्रोडी किंग पावर का यूज करते हुए रिकोसेट को उठाकर फेंक देते गए, जिसके बाद के रिकोसेट हरू के राना लगाने की कोशिश करते गए बट फिर भी यहां पर ब्रोडी किंग मिड एयर के अंदर रिकोसेट पर पावर बम्प लगाते गए और पूरे मैच के अंदर पावर वर्सेज स्पीड फाइट के बाद फाइनली मैच के एंडिंग के ऊपर रिकोसेट यहां पर उनका स्प्रिट गन फिनिशर लगाते गए और डबल स्प्रिट गन के साथ ब्रोडी किंग को बीट करके रिकोसेट कॉन्टिनेंटल क्लासिक के मैच को जीत जाते गए, जिसके बाद के शो के मेन इवेंट के ऊपर वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन होता है, जहां पर मीना शिराकावा मरिया मे को चैलेंज करते गए और इस मैच को देखने के लिए थंडर रोजा फ्रंट रो में क्राउड में बैठी होती गए। और शिराकावा और मे के इस मैच के अंदर आज यहां पर बैक एंड फोर्थ काफी लंबे मैच के बाद मरिया मे फाइनली शिराकावा पर फिनिशर हिट करके मैच को जीत जाती गए और वो टाइटल को रिटेन करके सेलिब्रेट कर ही रही होती गए। तभी अरीना में AEW की फॉर्मर वुमन चैंपियन टोनी स्टॉर्म का म्यूजिक प्ले होता है और टोनी स्टॉर्म करीबन 5 महीनों के बाद पहली बार AEW पर रिटर्न करते गए, जहां पर टोनी स्टॉर्म यहां पर टाइमलेस कैरेक्टर की जगह उनके ओरिजिनल कैरेक्टर के अंदर रिटर्न करते गए और हमें यहां पर AEW के अंदर टोनी स्टॉर्म और मरिया मे का कन्फ्रंटेशन देखने को मिलता है।